नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2000 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिक विज्ञान से है। आप सबों को इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न से बहुत ही प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि ये सभी VVI है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए। तो आइए प्रश्न को ध्यान से देखिए और समझिए, याद रखिए। तो पहला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सेवा। सेवा क्षेत्र जो है कि तीसरा क्षेत्र है। और अगर पूछ दिया जाए कि आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र क्या है, तो कृषि होगा। प्रथम क्षेत्र क्या होगा? कृषि होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन बीमारू राज्य नहीं है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो आपका बीमारू राज्य जो है कि बिहार है बीमारू राज्य, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है और उड़ीसा बीमारू राज्य है। उत्तर प्रदेश आपका नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, कौन बीमारू राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। प्रश्न है चौथा नंबर, कौन सी सेवाएं गैर सरकारी है? कौन सी सेवाएं गैर सरकारी है? तो आपका ऑप्शन दिया है सैन्य उद्योग, वित्त सेवा, मॉल सेवा या रेल सेवा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घो, यानी कि सी। तो मॉल सेवा जो है कि ये गैर सरकारी है, यानी कि सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट है मॉल सेवा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया मॉल सेवा गैर सरकारी है। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत होता है सूर्य। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। तो मुख्य स्रोत जो होता है वह इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक विकास के क्षेत्र है? आर्थिक विकास के क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका, तीनों हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी सभी है। देखिए, आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र है कृषि और द्वितीय क्षेत्र है उद्योग, यानी कि फैक्ट्री वगैरह सब जितना है वह सभी आ जाएगा इसमें सरकारी। और सेवा क्षेत्र है जैसे कि आपका आ गया हॉस्पिटल, रेलगाड़ी, सरकारी बस और अन्य सेवा। तो ये सेवा जितना आएगा वह जो है कि तीसरा क्षेत्र में आता है। और आर्थिक सेवा का दूसरा क्षेत्र क्या होता है? उद्योग, फैक्ट्री वगैरह सब। और प्रथम क्षेत्र क्या होता है? कृषि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसमें पूछा है कि आर्थिक विकास का क्षेत्र है, तो तीनों हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में किसे आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र कहा जाता है? देखिए अभी तुरंत प्रश्न आ गया, निम्न में किसे आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कृषि को आर्थिक विकास का प्रथम क्षेत्र कहा जाता है। और उद्योग को क्या कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र। और तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न में किसे आर्थिक विकास का द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र दोस्तों विस्तृत बताएं, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला देखिए, और कृषि को प्रथम, सेवा को तीसरा क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आर्थिक विकास का तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसे आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सेवा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र का सरकार घरेलू उत्पाद में योगदान है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 55.1%। तो दोस्तों ये पुराना प्रश्न है, आपका कुछ इधर बदला भी हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान है? तो कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 18.5%। अगला प्रश्न है, घरेलू सकल उत्पाद में कृषि एवं उद्योग का योगदान कितना है? सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उद्योग का योगदान कितना है? तो कृषि और उद्योग दोनों मिलाकर के पूछा है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 45.9%। अगला प्रश्न है,
सरकारी सेवा क्षेत्र है, सरकारी सेवा क्षेत्र है। तो इसमें आपका इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, उपयुक्त सभी सैन्य सेवा जैसे कि आर्मी हो गया, नेवी हो गया, जल सेना हो गया, वायु सेना हो गया, ये सभी सैन्य सेवाएं हो गया। स्वास्थ्य यानी कि हॉस्पिटल जितना सरकारी है वह सभी हो गया, शिक्षा तो है ही, तो इनमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, सरकारी सेवा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि में पाया जाता है, कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी क्षेत्र पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, घरेलू सकल उत्पाद में उद्योग का योगदान है, घरेलू सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग का योगदान है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 26.4%। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन यानी कि लंबे दिनों तक लोन पैसा देने पर जो है कि कौन सा बैंक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खो, बिल्कुल सही है, भूमि विकास बैंक। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक, याद रखिएगा, ये प्रश्न को बहुत बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई को। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो मुंबई को कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तरित विषय कब बनी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1919 में। अगला प्रश्न है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 196। ये दोस्तों पुराना वाला क्वेश्चन है, और नया वाला प्रश्न जब भी आएगा तो बता देंगे। आप इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, जितना भी ऑब्जेक्टिव छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ही बहुत मदद मिलेगा। ऑब्जेक्टिव का जमाना है तो याद अच्छे से रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1969 में। 1969 में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कागजी नोट का प्रचलन कौन करता है? भारत में कागजी नोट का प्रचलन कौन करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में कागजी नोट का प्रचलन करता है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय दिया जाता है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय दिया जाता है? तो मुद्रा हो जाएगा, मुद्रा यानी कि पैसा। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय दिया जाता है किसको? मुद्रा को, यानी कि पैसा को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड निम्न में किसका रूप है? क्रेडिट कार्ड निम्न में किसका रूप है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा जैसे आपका हो गया एटीएम कार्ड। क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसका रूप है? प्लास्टिक मुद्रा का। कौन रोपण फसल है? इनमें से कौन रोपण फसल है? तो चाय को भी रोपा जाता है, रबर को भी रोपा जाता है, गन्ना को भी, और इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो 1991 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपका, कांवर झील कहाँ है? तो बिहार के बेगूसराय में है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंध का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका, इनमें से कौन ओ कार्बनिक खनिज है? इनमें से कौन ओ कार्बनिक खनिज है?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अवरक। अवरक वो कार्बनिक खनिज है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मेघरुआ वन है? तो मेघरुआ वन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन कोयला घटिया किस्म का है? कौन कोयला घटिया किस्म का है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, पीट कोयला घटिया किस्म का होता है। अगला प्रश्न है, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई? भारत में चाय की खेती या कृषि कहाँ शुरू हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, असम में। अगला प्रश्न आपका, पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट किस प्रकार का खनिज है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, धात्विक। ऑप्शन नंबर ए सही है, पायराइट किस प्रकार की खनिज है? धात्विक। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा अवरक से। कोडरमा का संबंध किससे है? अवरक से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, कतर। कतर ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी, बांग्लादेश। सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, अश्वन बांध किस नदी से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, नील नदी से। नील नदी से। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद। आतंकवाद क्या है? ये मानवीय आपदा है। अगला प्रश्न है, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न आपका, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? तो बहुत ही आसान बात है, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? तो ऊंची भूमि। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भूस्खलन से अभिप्राय है। तो भूस्खलन होता है कोई भी चीज सरकना, यानी कि गिर जाना धीरे धीरे। तो क्या मलबों का सिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का सिसकना, इनमें सभी हो जाएगा। यानी कि भूस्खलन मतलब ही होता है कोई चीज सिसकना, गिरना, तो इनमें सभी हो जाएगा, भूस्खलन सभी हो जाएगा। आस्किमिक प्रावधान का प्रमुख घटक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इनमें सभी। इनमें सभी। अगला प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति होनी चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, त्रिभुजाकार होना चाहिए। कि भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक का नाम है, यानी प्रश्न है क्या, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी S.S. भटनागर, ऑप्शन सी हेमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन डी राजा रमन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है आपका मध्य प्रदेश, इसलिए इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं। प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य जो
केसर का उत्पादन करता है। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है कौन है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। एकमात्र राज्य केसर उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में ही केसर का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। तो भारत का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जूट पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर सी सही है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहां पैदा होती है? भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में की जाती है या कहां किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत में चाय सर्वाधिक उत्पादन होता है असम में। तो असम का एक दार्जिलिंग स्थान है जहां होता है दार्जिलिंग। तो भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन कहां होता है, चाय पैदा कहां होती है? दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पंजाब। तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी सही है, दूध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी सही है, दूध उत्पादन से। प्रश्न है, दूध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? दूध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, डॉक्टर वर्जी कुरियन, डॉक्टर वर्जी कुरियन को जाता है। प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, ऑप्शन सी मांस उत्पादन से, ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है, कमेंट करें अगर आप पहले से जान रहे तो। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्नाटक। अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों देखिए टिक लगा हुआ है, आप सभी तो समझ गए होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? दोस्तों यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, मैट्रिक और इंटर में नहीं विश्वास है तो आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देखें। प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में। पहले से टिक लगा हुआ दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है आपका मुंबई, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आपके सामने आंसर लगा हुआ है ठीक दोस्तों, 1872। दोस्तों जो ये याद किया था ना, उसने ये टिक लगा दिया है, अब इसको मिटा करके बना देंगे।
तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग पहले से भी जानते होंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में, याद रखिएगा, क्योंकि ये बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर में पूछे जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के शासन काल में हुआ था? भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो भारत में सबसे पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो, याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जनगणना का क्रमवार कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? यानी कि भारत में जनगणना जो होता है प्रत्येक कितने साल पे होता है? 10 साल पे होता है। तो अभी 2011 में जनगणना हुआ था और 2021 में तो लॉकडाउन लगा था, तो अभी जनगणना हो रहा होगा। तो भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1973 ईस्वी में। प्रश्न है, भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनकीय विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1921 ईस्वी में। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, रेगुर नाम है किसका? तो रेगुर मृदा का नाम है, यानी मिट्टी का नाम है काली मिट्टी का। रेगुर किसका नाम है? काली मिट्टी का नाम है रेगुर। रेगुर मृदा किसे कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है क्या? नहर। भारत में सबसे प्रमुख सिंचाई का साधन क्या है? नहर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो चावल, आप सभी पहले से जानते होंगे क्या है? चावल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल है? तो चना। रबी फसल कब बोई जाती है? जब आप रबी यानी रेजाई के अंदर रहते हैं, यानी कि ठंडी मौसम में होता है। गेहूं, चना का झाड़ जो खाते हैं आप लोग पका करके। तो निम्न में से कौन सी एक रबी फसल है? चना रबी फसल है। प्रश्न ये 25वां दोस्तों, ये क्योंकि क्वेश्चन छांट के चुन चुन के निचोड़ करके लाए हैं, जो कि बिहार और मैट्रिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये लास्ट नंबर प्रश्न है 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? तो तमाकू एक नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तमाकू। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो 60% क्षेत्र में खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 80%। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, तो आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में गन्ना उत्पादन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बिहार के जूट उत्पादन में, बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है, गिरावट हो रही है, गिरावट हो रही है यानी कि कमी हो रही है। बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रही है, गिरावट हो रही है यानी कमी हो रही है। अगला प्रश्न है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है तो आपका दियारा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, गंगा का दियारा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ तो 1954 में कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ, ऑप्शन नंबर गो यानी डी सही है, 1954। अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, वाल्मीकि नगर। अगला प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है तो रोहतास जिले में, ऑप्शन नंबर को ए सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 6374 किलोमीटर, 6374 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। अगला प्रश्न है, कुबेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है तो दरभंगा में, ऑप्शन नंबर खो सही है। अगला प्रश्न है, कांवर झील स्थित है तो बेगूसराय में, कांवर झील कहां स्थित है, बेगूसराय में। अगला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है तो पटना में, ऑप्शन नंबर गो यानी डी सही है, पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है, पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं तो ऑप्शन नंबर गो यानी डी बिल्कुल सही है, गंगा के द्रोणी में। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है तो सीमेंट उद्योग में, ऑप्शन नंबर को सही है। अगला प्रश्न है, पाइराइट खनिज है और धात्विक, ऑप्शन नंबर को सही है। अगला प्रश्न है, बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, 0.1 से 0.6 ग्राम, ऑप्शन नंबर खो सही है। अगला प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है तो भागलपुर में, ऑप्शन नंबर को सही है। अगला प्रश्न है, कंटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है, कंटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है तो मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर सी सही है यानी गो। रुपया किस देश की मुद्रा है तो आपके सामने ऑप्शन है कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, डी इनमें से सभी। तो दोस्तों रुपया इनमें सभी हो जाएगा क्योंकि भारत में भी रुपया चलता है, पाकिस्तान में भी और नेपाल में भी, तो रुपया जो हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, नेपाल इन सभी देशों में चलता है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए कि वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान
सर्वाधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सेवा क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, समाजन। अगला प्रश्न है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है, सूखा किस प्रकार की आपदा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भूकंप। आग लगना मानवीय है, बम विस्फोट मानवीय है, रासायनिक दुर्घटना ये सभी मानवीय है, लेकिन इसमें पूछा गया था प्राकृतिक, तो प्राकृतिक भूकंप है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1906 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो वन तो प्राकृतिक है, नदियां तो प्राकृतिक है, नगर, नगर तो मानव के द्वारा बसाया जाता है, बनाया जाता है, खनिज भी प्राकृतिक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका नगर, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नगर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन राष्ट्रीय महामार्ग सबसे लंबा है, तो राष्ट्रीय महामार्ग सबसे लंबा जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, NH7 सबसे लंबा है। अगला प्रश्न देखिए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई, प्रश्न है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो राजस्थान से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राजस्थान से सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, काशीराम। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उत्तरी बिहार। अगला प्रश्न है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आतंकवाद नहीं होगा। अगला प्रश्न है नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई, नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2006 में। अगला प्रश्न आपका, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें से सभी जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, तो इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न आपका,
वैश्वीकरण का अर्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, व्यापार पूंजी तकनीकी हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समावयवन। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, असम में है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चित्रंजन दास स्वराज दल के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए आपका, वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ? वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1945 ईस्वी में वियतनाम स्वतंत्र हुआ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था है आपका मिश्रित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ है 1935 में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कश्मीर और उत्तराखंड भूस्खलन से प्रभावित होता है, कश्मीर और उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अधिक वर्षा, हिमालय की बर्फ का पिघलना, तो इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 3। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता होता है मेंढक, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, तो हिरण क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, यूरो टू का संबंध है, तो यह यूरो टू क्या है? एक वायु प्रदूषण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी पारितंत्र के जैविक घटक होते हैं, तो पौधे और मृदा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर रहते हैं साफ जल में, ऑप्शन नंबर ए सही है, साफ जल में। अगला प्रश्न है,
प्रश्न है, प्रश्न है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, तो KCl ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, तो सोडियम को रखते हैं, सोडियम यानी Na ऑप्शन नंबर ए सही है। और सोडियम जो है ना ये मुलायम होता है पनीर की तरह, पनीर की तरह मुलायम होता है और इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, तो सोडियम यानी Na को, और ये पनीर की तरह मुलायम होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड ऑप्शन नंबर सी सही है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते थे बॉक्साइड। अगला प्रश्न है किस ओ धातु को जल में डुबाकर रखते हैं, किस ओ धातु को जल में डुबाकर रखते हैं, तो फास्फोरस, कौन सा फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस को जल में डुबाकर रखते हैं, श्वेत फास्फोरस को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उपधातु है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो Sb याद रखिएगा, Sb जो है कि उपधातु है। अगला प्रश्न है बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है क्लोरीन की संयुक्ता क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन की संयुक्ता क्या है, तो एक ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, हेमेटाइट किस, हेमेटाइट लोहा से, हेमेटाइट लोहा यानी कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो लोहा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाने वाला मुख्य धातु है, सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाने वाले मुख्य धातु है, तो जिंक और कॉपर, और जिंक और कॉपर यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है जिंक और कॉपर। अगला प्रश्न है गैलेना किस धातु का अयस्क है, गैलेना किस धातु का अयस्क है, तो लेड, लेड यानी सीसा, सीसा का अयस्क है गैलेना, गैलेना किस धातु का अयस्क है, लेड यानी सीसा। अगला प्रश्न है, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी धातु अपने लवणों से लोहा द्वारा लोहा द्वारा विस्थापित हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी तांबा। अगला प्रश्न है किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, किस धातु को, देखिए अब आगे रुकिए रुकिए थोड़ा, या PDF यहां से, हाँ आते हैं यहां से आइए, तो अभी आप ये सभी प्रश्न पढ़ चुके हैं कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो लोहा से सल्फर अयस्क के रूप में पाए जाने वाला मुख्य धातु है, तो कॉपर और जिंक, गैलेना किस धातु का अयस्क है, लेड का। अब आगे बढ़ते हैं, हाँ तो यहां से प्रश्न है, यहां से प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी धातु अपने लवणों से लोहे द्वारा विस्थापित है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है तांबा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा तांबा। अगला प्रश्न है किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, तो उत्तर पर है सोडियम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सोडियम यानी Na। अगला प्रश्न है सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में स्थित धातु और ओ धातु के युग्म को चुने यानी कि कराए कि, देखिए सामान्य तापमान जो हर समान रहा जाता है, लेकिन वह जो है कि द्रव अवस्था में स्थित रहता है, तो वह हो जाएगा क्योंकि ये ब्रोमीन क्या है, द्रव है, लेकिन ये ओ धातु है, परा भी ब्रोमीन क्या है, परा भी द्रव्य है, तो सामान्य तापमान पर ये दोनों जो है कि द्रव अवस्था में रहता है, कौन सा,
तो ब्रोमीन और परा यानी कि ये कमरे के तापमान पर क्या होता है, जितना तापमान कमरा का रहता है उसमें ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका परा धातु है और ये ओ धातु है ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, ये तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो हेमेटाइट अभिप्रेत पर है, बताइए किस धातु का अयस्क है हेमेटाइट। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर डी लोहा। लोहा का संकेत क्या होता है, एफ ई। तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, लोहा, एफ ई डी। अगला प्रश्न है, विद्युत के सुचालक युग्म को चुने, यानी कि विद्युत जो जिसमें सुचालक हो जाता है, विद्युत आर पार यानी चला जाता है, आता जाता है, तो कौन सा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि लोहा और ग्रेफाइट, तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें तांबा सही है लेकिन ये सल्फर में नहीं होता, इसमें सोना सही है लेकिन इसमें हीरा में नहीं होता है, इसमें चांदी सही है लेकिन इसमें नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, ए ए ए ए ए, यानी कि इसमें दोनों सही है, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, ये दोनों लोहा और ग्रेफाइट सही है, इसमें आपका सल्फर गलत है, इसमें ना होता, और इसमें हीरा गलत हो जाएगा और इसमें ये गलत हो जाएगा, चांदी सही है, तांबा सही है, सोना सही है, तो दोनों लेकिन सही होना चाहिए, तो दोनों किसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न देखते हैं, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस, यानी कि धातु को जब गैस, धातु को वेल्डिंग किया जाता है तो उसमें कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, एथाइन। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, धातु को जोड़ने में प्रयुक्त गैस किसका उपयोग होता है, एथाइन। अगला प्रश्न है, सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के निचली वाली धातुएं हैं, तो ये हो जाएगा आपका अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, रुकिए, हाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वीवीआई है, यह प्रश्न बहुत बार पूछे गए और पूछे जाएंगे, इस साल तो पक्का ये प्रश्न आएगा ही आएगा। क्या है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है, तो जल का होता है तो ये हाइड्रोजन का होता है 2 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, बी ऑप्शन नंबर बी सही है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2:1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा धातु के गुणों में उपयोगी परिवर्तन लाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, हाँ प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ओ धातु है, निम्नलिखित में कौन ओ धातु है, तो बताइए इसमें कौन ओ धातु है, तो ओ धातु है, निम्नलिखित में कौन ओ धातु है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एफ ई लोहा। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर तक। अगला प्रश्न है, कौन सा ओ धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो अभी तुरंत जोड़ा लगाने वाला पढ़े थे, जोड़ा लगाने में क्या था, ये दोनों था, तो यहाँ क्या पूछा है, ओ धातु, अगर वो धातु नहीं रहता तो पड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ वो धातु है, तो धातु जानते हैं क्या होता है, ब्रोमीन। कौन सा वो धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है, सबसे अधिक तन्य, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है, तो सबसे तन्य कौन सा है,
सोना ऑप्शन नंबर ए सही है। एक ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक तार बनाया जाता है। तो सबसे तन यानी कि ताना किसका है? सोना का है। तो अगला प्रश्न देखिए, शीशा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, शीशा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं गैन मेटल। ऑप्शन नंबर सी सही है, गैन मेटल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी आघात वर्धता सबसे अधिक है? आघात वर्धता यानी कि वही तन्य हो ना, तो किसका हो जाएगा इसमें तो सोना नहीं दिया गया है, तो चांदी होगा, चांदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम। ऑप्शन नंबर ए सही है, लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, एकमात्र ओ धातु जो द्रव रूप में पाए जाती है, तो एक क्वेश्चन पूछ दिया है, एकमात्र ओ धातु जो द्रव रूप में पाए जाती है, तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट से। ऑप्शन नंबर ए सही है, 22 कैरेट से बनता है आपका आभूषण, लेकिन शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। 22 कैरेट का क्या होता है? आभूषण बनता है, उसमें कुछ मिलावट किया जाता है, क्योंकि शुद्ध सोना जो है ना मुलायम होता है, तो मुलायम होगा तो उसका तो जेवर गहना बनेगा नहीं, उसमें तो कुछ कठोरतापन होना चाहिए, तो 22 कैरेट होता है, यानी कि 2 कैरेट से दो से कुछ अलग से मिला दिया जाता है। तो शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, यानी कि शुद्ध सोना जो होता है किसका? 24 कैरेट का जो सोना है वह एकदम बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सही कथन को चुने, तो इसमें सही कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही, शुरू में धातुएं प्रायः ठोस गैस या ठोस होती है। धातुएं क्या होती है? प्रायः गैस या ठोस होती है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन धातु है, ऑक्सीजन भी धातु है, तो ऑक्सीजन गैस है और ठोस भी हो सकता है धातु। धातु तो जैसे लोहा हो गया, ठोस है। चलिए, तो समझ गए होंगे कि धातुएं प्रायः क्या होती है? गैस हो सकती है या तो ठोस हो सकती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो अम्लराज में जो घुल जाता है पूरा एकदम, तो वो है सोना आपका, ए यू सोना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरा निम्नलिखित में किसका अप्रूप है? तो हीरा जो है कि कार्बन का अप्रूप है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्बन का प्रूफ है हीरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया एनोडीकरण है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो, यानी कि भुरभू वंश। अगला प्रश्न देखिए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खो, यानी कि कार्बोन। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी और इटली के एकीकरण का विरोध में कौन था? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखिए, काउंट टावर को विक्टर एमुल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो, यानी कि सी प्रधानमंत्री का किया था उसको। अगला प्रश्न देखिए, गेरेवाल्टी पेशे से क्या था? तो गेरेवाल्टी जो है कि पेशे से वह नाविक था।
अगला प्रश्न देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर खो, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला प्रश्न देखिए, जलवेरिन एक संस्था थी, जलवेरिन एक संस्था थी तो वह कौन सा संस्था था? जलवेरिन एक संस्था थी तो वह कौन सा संस्था था? जल्दी सोचिए दोस्तों, तो व्यापारियों की संस्था थी। अगला प्रश्न देखिए, रक्त एवं लोह की नीति का अवलोकन किसने किया था? रक्त एवं लोह की नीति का अवलोकन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर गो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी घो, 1871 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? प्रेरणा स्रोत रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर खो, यानी बी, यूनान। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर खो, यानी यह भी हो जाएगा यूनान। अगला प्रश्न देखिए, ओटो को निम्न में कहां का राजा घोषित किया? ओटो को निम्न में कहां का राजा घोषित किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खो, यूनान। यह भी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूनान। अगला प्रश्न देखिए, यूनान को एक राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया तो कब किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1832 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिम्पोलेंटी के नेतृत्व में यूनानियों में विद्रोह शुरू हो गया? निम्न में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिम्पोलेंटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर खो, 1821 ईस्वी में। 16 नंबर, हितोरिया फ्लाइक नामक संस्थान की स्थापना हुई? हितोरिया फिलाइक नामक संस्थान की स्थापना हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी घो, उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर है, 17 प्रश्न देखिए, निम्न में कौन जेकोविनिया क्लब का सदस्य था? निम्न में कौन जेको क्लब का सदस्य था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी को, टीपू सुल्तान। वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्न में किसने किया? वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्न में किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी को, मैटरनिक ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, वियना सम्मेलन में निम्न में किसने भाग लिया? वियना सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा घो, ऑप्शन नंबर डी। ये वियना सम्मेलन में लिया था भाग ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों ने लिया था। अगला प्रश्न देखिए, चार्ल्स एल्बर्ट निम्न में कहां का शासक था? चार्ल्स एल्बर्ट निम्न में कहां का शासक था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर को, सार्डिनिया पीडमाउंट। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष गैरिवाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? किस वर्ष गैरिवाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1862 ईस्वी में, ए, यानी को। कावूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? कावूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1862 ईस्वी में। तो दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास
जरूर नोटिफिकेशन आए। जय हिंद, जय भारत।